नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-77 के काटा गांव के पास मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने पेट्रोल कर्मी से 10 लाख की लूट की। काटी थाना के सदातपुर NH-77 पर अनियंत्रित ट्रक ने पति पत्नी को कुचला, पत्नी की हुई मौत। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामू चौक पर अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से 54,000 की लूट की। और दो दिनों से धरना पर बैठे शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का घेराव कर घंटों बनाया बंद। और आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH-77 के काटा गांव के पास अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से करीब 10 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच घटना की छानबीन की। गायघाट के बेनीवाद ओपी के दरभंगा मुजफ्फरपुर NH-77 के काटा गांव के पास अपराधियों ने दिन के करीब 11 बजे सतनाम पेट्रोल पंप कर्मी से 10,68,000 रुपए की लूट की। दरअसल सतनाम पेट्रोल पंप कर्मी पेट्रोल पंप के दो दिनों से जमा हुए कैश को बैंक में जमा करने जा रहा था। अचानक काटा गांव के पास दो मोटरसाइकिल सवार अपराधी बैंक कर्मी को रोक दिया और हथियार के बल पर रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पेट्रोल कर्मी ने बताया कि बैंक में पैसा जमा करवाने जा रहे थे, जिसे अपराधियों ने छीन लिया। 11:30-12 बजे के अच्छा, कौन स्टाफ लेके जा रहे थे? हमारा काउंटर मैनेजर था और एक और स्टाफ था, दो स्टाफ लेके जा रहे थे, जिसका नाम अखिलेश कुमार और शंकर मल्लिक। अच्छा अच्छा, बाइक से जा रहे थे। और घटना कहाँ पे हुई है? घटना ये हनुमान नगर से आगे नाजिरपुर है, नाजिरपुर के नजदीक कब्रिस्तान है, ठीक कब्रिस्तान। अच्छा अच्छा, ये घटना आपके साथ कितने बार हो चुका है इस पंप से? इससे पहले भी एक बार ऐसे एक स्पेशल पहले हो चुका है, ये दोबारा उस समय मेरे साथ हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेके कितना कैश रहा होगा? अभी 10 लाख से ऊपर था। काटी थाना क्षेत्र के सदातपुर NH-77 पर आज अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार पति पत्नी को कुचला, जिसमें पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अय्यापुर के मुस्तफापुर निवासी जनक महतो और उनकी पत्नी साइकिल से सदातपुर के पास शनि मंदिर के नजदीक अनियंत्रित ट्रक से टकरा गए, जिसमें पत्नी की घटना स्थल पर मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग कर रहे थे, जिसे बाद में सीओ के आश्वासन से जाम को हटाया गया। घटना घटा है कि मुस्तफापुर पंचायत के पति पत्नी दोनों एक साथ आ रहे थे, इसी क्रम बैंक जाने क्रम में एक कंटेनर वाला जो धक्का मारा है, एक पत्नी जो डेड कर गई, जिसका नाम है डोरी देवी, पति जनक भगत का भी स्थिति दयनीय है, जो ग्लोकर हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी जो है सरकारी मुआवजा के लिए 4,20,000 रुपया का मुआवजा मांग किया गया है, जो अभी चेक आ रहा है। सड़क भी जाम है अभी, सड़क जाम है, मुआवजा के लिए सड़क जाम है। यहाँ आए दिन घटना घटती है यहाँ? हाँ, यहाँ पर आए दिन बहुत घटना घट रहा है, यहाँ पर प्रशासन को व्यवस्था करना होगा, नहीं तो यहाँ महीना में 2-3 घटना रोज होता ही रहता है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुड़न छपरा डेरा गांव में नशे में धुत पिता ने अपनी ही बेटी और पत्नी पर तेजाब फेंका, दोनों झुलसी, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शराबी पति को गिरफ्तार किया। मामला ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के जुड़न छपरा के डेरा गांव की है, जहां संगीता वर्मा नामक महिला अपनी बेटी के साथ अपने शराबी पति के आए दिन होने वाली मारपीट की वजह से अपने मायके में रह रही है, जहां रविवार के देर रात उसके पति शिवराम वर्मा ने नशे की हालत में आकर हंगामा और घर में तोड़फोड़ शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर शराबी पति ने पत्नी और 22 वर्षीय बेटी के ऊपर तेजाब फेंककर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आरोपी पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। ये शराब पी कर आए रात को, हम लोग बोले कि चुपचाप सो जाइए, बाहर में गाली गलौज कर रहे थे, तो लाने के विरोध में मेरा बेटा बोला कि चलिए सोइए। जबरदस्ती करने पर वो मारामारी कैंची निकालने लगा, कैंची निकालने के हम लोग पकड़ने लगे, फिर ऊपर आके तेजाब लाया और बोला सबको जलाऊंगा आज, तो मैं सबके प्रति, मेरी बेटी पर तेजाब गिराया, मेरे पर हाथ पर तेजाब गिराया। तेजाब आया कहाँ से? तेजाब थोड़ा बहुत काम करते हैं साफ सफाई का, सुनार था। हाँ,
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता देवी। पहले से भी लफड़ा उफड़ा चल रहा था क्या स्थिति? नहीं, लफड़ा तो शुरू से ही पी के आके, लेकिन इधर में नीतीश कुमार ने बंद करवाई तब से कम था, लेकिन फिर इधर में है ना पीने लगे। पहले भी? पहले बहुत हंगामा किए मैं वहाँ गुदरी पर के रहे, बरगिनिया में भी रहे, बरगिनिया में भी उसका यही स्थिति रहा। कैसे जान बचा के हम लोग कैसे जैसे करके समय काटे हैं, बच्चा सब करना पढ़ाई ना लिखाई कोई चीज से मतलब नहीं। विश्वविद्यालय के दुरुस्त शिक्षा में फर्जी बहाली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारी और छात्र ने आज भी विश्वविद्यालय को बंद करवाकर कुलपति से मुलाकात की, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकला। देखिए ये रिपोर्ट। छात्रों द्वारा यूनिवर्सिटी में हो रही बहाली में अनियमितता को लेकर विश्वविद्यालय को आज भी बंद करवा दिया गया और सारे कार्यों को ठप करवा दिया गया। छात्रों ने पूरे मामले को लेकर कुलपति अमरेंद्र कुमार यादव से मुलाकात भी की, पर मुलाकात बेनतीजा ही रहा। मुद्दे पे बात यही हुई कि उनको जांच कमेटी के रिपोर्ट के लिए समय चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने समय उनको नहीं दिया। कहा कि जब तक आप अभी मेरी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक विश्वविद्यालय हम लोग नहीं खोलेंगे। और क्या बोला उन्होंने? बस यही, वही लीपा पोती की कहानी जो पहले से होती आ रही है। मेरी कमेटी रिपोर्ट करेगी, मैं लीगल एक्शन ले लूंगा, लेकिन हम लोगों को पता आज उनकी कमेटी रिपोर्ट करेगी 6 महीना। आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो बहाली गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर देना, फिर नोटिफाई करना, नोटिफिकेशन करना कि हाँ कैंसिल कर दिया। दूसरी बात, जिन लोगों ने गलत किया जो लोग, उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना, जैसे कि जो उसके डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर उनको सस्पेंड करना, डिसमिस करना, जो भी संभव हो सके लीगल एक्शन लेना। फिर वो जो 15 जो फर्जी तरीके से कर्मचारी आए थे उनके ऊपर FIR। वहीं दूसरी ओर कुलपति ने बताया कि छात्रों के शिकायत पर विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है, जिसमें समय लग रहा है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए छात्र राजी नहीं हो रहे हैं। बच्चों से, विद्यार्थियों से जो बंधन करवाए, तो मैं रात में कल आया तो मैंने खबर दिया कि मैं वार्तालाप नहीं, क्योंकि बहुत सा प्रॉब्लम का निदान वार्ता से ही होता है, संवाद से ही बहुत सा चीज़ निकलता है। इसलिए लड़कों को भी मैंने बुलाया, उनसे वार्ता किया। उनका कहना था कि जो ये जो अपॉइंटमेंट हो गया, लीगल हुआ, उसको लेकर के आप किन्हीं को सस्पेंड कीजिए, ये कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब, इंक्वायरी अभी चल रही है, इंक्वायरी का रिपोर्ट हमको आ जाता है, 2 दिन लगे, 1 दिन लगे, जिसमें तब हम अकॉर्डिंगली जो उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। लेकिन विदाउट उस रिकमेंडेशन का क्या रिपोर्ट दे रही है? अब है कि उसको एम्प्लॉय से पूछना है, डायरेक्टर से पूछना है, इन तमाम चीज़ से। तो इसमें मेरा निवेदन था कि आप कोऑपरेट करिए और यूनिवर्सिटी को खुलने दीजिए। लड़कों का कहना, नहीं सर, 2 दिन का समय देते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, तो ये लेकर के वार्ता हुई। सर, इससे पहले कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन की जो टेंडर आने वाली थी उसकी भी रद्द हो गई है? रद्द नहीं हुई है। उसमें क्या था कि हमने निकाला था, टेंडर जमा हुआ, उसमें कमे लोग कर पाए, और कमे लोग कर पाया, उसके बाद बंदी शुरू हो गई। बहरहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के विवाद के बीच हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों के विवाद के बीच पिस रहे हैं। उसी चीज को जानकारी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस लगा दिया कि हमको इन बातों का हमको आप रिपोर्ट कीजिए, तो जब हमको रिपोर्ट आ जाएगा। किन चीजों का रिपोर्ट? तुर्की ओपी क्षेत्र के पताही गांव में कल देर रात अपराधियों ने एक व्यक्ति को चाकू मारकर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तुर्की ओपी क्षेत्र के पताही गांव में रविवार की देर रात चाकू से प्रहार कर एक व्यक्ति को आरोपियों ने गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज बैरिया स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है, जहाँ चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर बताया है। वहीं सोमवार को इलाज के दौरान घायल प्रभात कुमार ने बताया कि उसके पताही स्थित जमीन से कुछ दबंगों द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी की कटाई कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगों द्वारा पहले पिटाई की गई, फिर चाकू से प्रहार कर जान से मारने की कोशिश की गई। स्थानियों के बीच बचाव से दबंग फरार हो गए। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं घटना की लिखित शिकायत दर्ज कर संबंधित थाना छानबीन में जुट गई है। जबरन मेरे हिस्से की जमीन पर मिट्टी कटाई कर रहे थे, उसी के पूछने पर उन्होंने लाठी डंडों से प्रहार कर कहा कि यहाँ तुम्हारा कोई हिस्सा व तनखा नहीं है, तो यहाँ से भागो, नहीं तो सब परिवार तुम्हारे को जान मार देंगे। तो मेरे खेत में
मिट्टी कटाई हो रहा था, जब मैंने पूछा तो बताया गया कि मेरे बड़े भाई अरुण कुमार चौधरी और द्वारा जब मिट्टी भेज दिया गया है। जब मैं घर गया और अपनी पत्नी से चर्चा कर रही थी तो अरुण कुमार चौधरी और उनके पुत्र अमरनाथ कुमार ने उस पर धारदार हथियार खुखड़ी और लाठी डंडों से प्रहार कर मुझे जान मारने की पूरी कोशिश की गई। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा और चार चक्का से तुर्की ओपी गया, लेकिन वहां पुलिस अभिरक्षा मांगा और FIR करने के लिए कहा तो मुझे कहा गया कि आप जाके इलाज कराइए और अमरनाथ कुमार तो मेरा पीछा थाना तक किया, लेकिन मुझे कोई अभिरक्षा नहीं मिला। उसके बाद मैं इलाज कराने के लिए पुलिस के अनुसार भाग कर मैं यहाँ पर आया और किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी वादी के बयान के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी तुर्की थाना के द्वारा, तुर्की ओपी के द्वारा। हम लोग को सिर्फ बयान लेना है, बयान लेने के बाद गौर कार्रवाई तो इनके स्थानीय थाना करेगी। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर हक हिंदुस्तान कमेटी ने फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान को लेकर फारूक अब्दुल्ला का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोले गए विवादास्पद बयान तुल पकड़ते जा रहा है। हक हिंदुस्तान कमेटी द्वारा विवादास्पद बयान के विरोध में सोमवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से प्रतिवाद मार्च निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कमेटी के प्रदेश संयोजक तमन्ना हाशमी ने भारत सरकार से मांग की है कि फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही करार कर उसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जी जो है उनका बेतुका बयान आया POK पे जो बिल्कुल देश के खिलाफ है, उनकी पाकिस्तानी सोच और पाकिस्तानी मंशा को जाहिर करने वाला बयान है। इससे मैं क्या पूरे देशवासी आहत है, वो POK को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहे हैं। आज तक जो भी हमारी पाकिस्तान से लड़ाई है इसी मुद्दे पे है, और उनकी ये सोच, उनकी ये बात, उनकी ये बयानबाजी मुझे नहीं पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानी को आहत करने वाला है। हम भारत सरकार से ये मांग करते कि फारूक अब्दुल्ला जी को भारत में रहने का कोई हक नहीं है, उनको आप पाकिस्तान भेज दें, वहीं वो जाएंगे और वहीं अपना प्रेम पाकिस्तान जाके दिखाए, भारत में उनके लिए कोई जगह नहीं है। लायंस क्लब के रेड रोज एकेडमी में बच्चे के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। हरिसभा चौक के रेड रोज एकेडमी में आज लायंस क्लब द्वारा बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान लायंस क्लब ने कहा कि लायंस क्लब शहर की 29 वर्ष पुरानी संस्था है और यह संस्था महिलाओं एवं बच्चों के कौशल विकास के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। एकेडमी के प्रांगण में सर्वप्रथम यहां के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, अध्यापक एवं बच्चों का आभार प्रकट करती हूँ। प्रतियोगिता में आयोजित करने का कार्यक्रम किया है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल,
धर्मोदय, अस्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes. IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक आईआईटी रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091387 7635091396। जीनियस नाम ही पहचान है। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मोंटेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस क्लब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955456278544077116, 8544077116। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेखौफ अपराधियों का तांडव शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के दामोद चौक पर बाइक सवार दो अपराधियों ने बुजुर्ग महिला से 54,000 रूपए लूट कर फरार हो गया। बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला से 54,000 रूपए लूट लिए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना के दामू चौक की है। महिला सुमित्रा देवी दामू चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक से रुपए लेकर अपने घर जा रही थी। लुटेरों ने महिला के घर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर रुपए लूट लिए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और महिला के परिजन बैंक पहुंचे। अनुमान है कि लुटेरे बैंक से उनका पीछा कर रहे थे। फिलहाल बैंक के सीसीटीवी फुटेज से लुटेरों की पहचान करने में पुलिस जुट गई है। नहीं, नहीं, कुछ नहीं किया। अरे हम बूढ़ है, कमजोर पन्नी था, सीधे ऐसे लिया। हम है कि ये उधर से लोग दौड़ा तब तक भाग गया। 54,000 रुपया था, लेबर को पेमेंट करना था, पासबुक था, तार कांटी मंगाए थे, उसका कागज था और कुछ कुछ का कागज, खाली आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं था। देख रहे हैं यहाँ एक वृद्ध महिला है, उसके हाथ से झपटा मार के 54,000 रुपया जिसे जगह पन्नी में रखे हुए थे उसको ले लिया है। तो मोटरसाइकिल से आया, झपटा मारा और हाथ से लेके चला गया। तो फिर आगे की कार्रवाई? हाँ, वही सीसी कैमरा सब खंगाला जा रहा है उसका, और मोटरसाइकिल जो आपको जिसे उलिया बता रहा है उन लोग का पहचान किया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दो दिनों से बैठे शिक्षक संघ के लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी का किया घेराव, घंटों बनाया बंधक। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर गुट के लोगों ने पहले कार्यालय के बाहर धरना दिया, उसके बाद कार्यालय में तालाबंदी कर घंटों हंगामा किया। बिहार राज्य शिक्षक संघ के सदस्यों ने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से घंटों बकझक किया। उन्होंने बताया कि उनकी नियुक्ति उनके योग्यता के आधार पर नहीं की जा रही है, साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने काम का निर्वहन करने में आनाकानी कर रहे हैं। हंगामा बढ़ने पर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। अरे सुनिए ना भाई, आप हमारे साथ नहीं बैठे हैं, सर को बोलने के लिए बैठा है। तू से हम कह रहे हैं दोनों
साफ करेंगे ठीक है। जहाँ से बोल रहे हैं वो काम एकदम बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ भोजपुर की जिला इकाई द्वारा 3 सूत्री मांग पत्र के आलोक में आज प्रदर्शन किया गया है। इसमें 1 नंबर मांग है 31/12/16 की वरीयता सूची के आधार पर प्रधानाध्यापक एवं स्नातक पद पर प्रोन्नति करनी है, जिसकी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2016 को शुरू हुई। वह यह प्रक्रिया पदस्थापन सहित सारी प्रक्रिया 31 जनवरी तक समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी की उदासीनता के कारण यह 10 माह के बाद अभी नवम्बर हो गया फिर भी समाप्त नहीं हुआ है। इसी प्रतिक्रिया में आज प्रदर्शन किया गया। दूसरा बिंदु था कि 60 शिक्षक जिनका क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का आदेश हुआ था कि नियमानुसार पदस्थापन करने का जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया गया था, लेकिन वो भी अंतुनी उच्च अधिकारी के आदेश को भी ये नहीं मान पाए और नियोजित शिक्षकों का 4 महीने का वेतन पूर्व वित्तीय वर्ष का वेतन जो कि लंबित है उसका भुगतान वर्तमान तक नहीं हुआ है। ये अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम था। कल हम लोगों ने डिप्टी स्थापना के संबंध धरना दिया, यो साहब को बुलाया गया था लेकिन बोले कि कार्य व्यस्त है तो वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसलिए नगर थाना पुलिस ने स्टेशन रोड में गुप्त सूचना के आधार पर जांच अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने तलाशी के दौरान ऑटो से 24 बोतल शराब के साथ ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की देर रात नगर थानेदार केपी सिंह ने विशेष अभियान के तहत स्टेशन रोड से तलाशी के दौरान एक ऑटो से 24 बोतल शराब बरामद किया। ऑटो सवार उत्तर प्रदेश के रजत बाबू और ऑटो चालक ब्रह्मपुरा थाना के झिटकहिया निवासी दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है। रजत कुमार प्रदेश से 24 बोतल शराब बैग में छिपाकर ट्रेन से लाया था। रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़कर बैरिया की ओर जा रहा था। उसी क्रम में नगर थाना के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान हुई तलाशी 24 बोतल शराब पकड़ाया। नगर थाना प्रभारी ने बताया कि इन लोगों को बैरिया स्थित एक विवाह भवन में शराब की खेप को ठिकाना लगाना था। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। गरीब स्थान मंदिर न्याय समिति और NTCI फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 5 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों दिव्यांगों का फ्री मेडिकल चेकअप कर कृत्रिम अंगों को बांटा गया। गरीब स्थान मंदिर में आज न्याय समिति की तरफ से 5 दिनों का दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों को डॉक्टरों द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। इस दौरान शिविर में सैकड़ों दिव्यांगों का चेकअप किया गया। इसके अलावा शिविर में कई दिव्यांगों को कृत्रिम अंगों को प्रदान किया गया। इस शिविर में TCI फाउंडेशन जयपुर ने कृत्रिम अंगों को डोनेट किया। ये गरीबनाथ न्यास समिति और TCI फाउंडेशन भगवान महाविकलांग सहायता समिति के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिन का शिविर लगेगा। इसमें विकलांग जो दिव्यांगजन है उनको फ्री, जिनके पांव कटे हुए हैं उनको फ्री अपने पैर दिया जाएगा जयपुर फूड टेक्नोलॉजी की सहायता से, और जो पोलियो ग्रसित उनको कैलिपर बैसाखी छड़ी सब दिया जाएगा। ये कब तक चलेगा? ये 19 तक चलेगा। 19 तारीख स्टार्ट कब से हुआ है? ये आज से शुरुआत हुआ है। जदयू के जल श्रमिक प्रकोष्ठ की शेखपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों जदयू के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। शेखपुर के सिटी गार्डन में जदयू के जल श्रमिक प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में जदयू पार्टी को मजबूत करना है। बैठक के दौरान जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज मुक्त समाज जैसे अभियान को समाज में स्थापित करने के लिए जदयू के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से काम करेंगे। यह बैठक बिहार प्रदेश जनता दल यू के जल श्रमिक प्रकोष्ठ से बुलाई गई है और कार्यकर्ता बैठक है जल श्रमिक प्रकोष्ठ का, और इस बैठक का मूल उद्देश्य है इस संगठन को मजबूत किया जाए। जल श्रमिक समाज जो उपेक्षित समाज है उसको गुलबंद किया जाए, गुलबंद करके जब एकता बन जाएगी तो ये अपने हक अधिकार को लेने के लिए स्वयं सक्षम हो जाए। और माननीय नीतीश कुमार का जो मैंने बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी का जो अभियान है उस अभियान को पुरजोर तरीके से मतलब कि प्रकोष्ठ के माध्यम से मैंने चलाया जाए और इस समाज में मतलब कि उसको स्थापित किया जाए, यही इसका मुख्य मतलब कि एजेंडा रहेगा। और संगठन को पूरा मजबूत किया जाए गांव स्तर से लेकर के और पंचायत, जिला और बिहार स्तर पर कैडर बेस्ड पार्टी बना देने का लक्ष्य है जल संघ। मुशहरी प्रखंड के डुमरी गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने दबंग द्वारा मोहल्ले का रास्ता बंद करने को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। मुशहरी थाना के डुमरी गांव में करीब सैकड़ों महादलित परिवार के रास्ते को दबंगों ने गड्ढा खोदकर और कटीले तारों से घेरकर अवरुद्ध कर दिया, जिससे दिहाड़ी महादलित
मजदूरों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सैकड़ों महादलित परिवार गुहार लगाने जिलाधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि रास्ता बंद होने से सैकड़ों परिवारों के जीविका पर खतरा मंडराने लगा है। मामला यह है कि मुसारी प्रखंड के अंतर्गत डुमरी पंचायत है। उस डुमरी पंचायत में 16 नंबर वार्ड है, जहां माझी समुदाय और राम समुदाय के महादलित परिवार के करके सैकड़ों घर से ऊपर घर है, 200 के आसपास घर है। श्री राम परिवार लोग तो सैकड़ों से ऊपर है और माझी परिवार भी 200 के आसपास है। और इन महादलित परिवारों के सैकड़ों वर्षों से इनके पूर्वज और उसके बाद अभी ये लोग भी वो एकमात्र वही पगडंडी रास्ता से चलते थे। जब वहाँ के जो दबंग जमींदार हैं अश्विनी कुमार ठाकुर के पुत्र लोग हैं पप्पू कुमार ठाकुर और सुधीर कुमार ठाकुर, इनके द्वारा उस सैकड़ों वर्षों की रास्ता जो थी उसको उन्होंने 5 फीट गड्ढा करके नुकीले तार से उन्होंने घेर दिया और बंद कर दिया है। और इन महादलित लोगों को चलने का अब एकमात्र रास्ता वही था, कोई उपाय नहीं। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर ANM ने अपनी मांगों को घंटों किया प्रदर्शन। इस दौरान ANM ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। संविदा पर बहाल ANM समान काम के समान वेतन एवं अपने नियुक्ति को नियमित करने की मांग को लेकर सोमवार को सदर अस्पताल परिसर में पहुंचकर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही सिविल सर्जन ललिता सिंह से मिलकर समान काम के समान वेतन एवं नियुक्ति को नियमित करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रदर्शन कर रही संघ की जिलाध्यक्ष नीलू कुमारी ने कहा, संविदा पर बहाल ANM के साथ सरकार की नीति बहुत खराब है, जिसको लेकर संविदा ANM कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ, वार्ता हुई, मैडम बोली कि हम राज्य वाले को सूचना दे दिए हैं, जैसा वहाँ का सजेशन आएगा आपको बता दिया जाएगा। कब तक धरना जारी रहेगा? जब तक हम लोग का सरकार अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार मांग पूरी नहीं करेगी। जी जी, किसके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? बोलिए। नहीं, हम एक ही मांग है, नियमित करो, सरकार से एक मांग है नियमित करना। संविदा पे जो भी NMR है सबको नियमित करने के लिए ये धरना प्रदर्शन है, जो सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग दो तारीख से रोड पे बगवा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी पटना में। हमारी और भी बहनें पटना में बैठी हुई हैं, कल हम लोग पटना के लिए फिर जाएंगे, वहाँ चक्का जाम होगा, जो वहाँ का वहाँ फिर जो डिसीजन होगा वही होगा। लेकिन जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी हम लोग हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। इस मुद्दे को लेकर के CS मैम से बातचीत हुई? CS मैम वो आश्वासन दी है कि हम जिला राज्य वाले को सूचना किए हैं, जो वहाँ से कोई सूचना आएगा आपको बता दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।